दोस्तों नमस्कार, हमारी एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो वैकेंसी हम आपके लिए लेके आए हैं वो DRDO की तरफ से जारी की गई है, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जो कि DRDO होता है, एक बहुत ही पॉपुलर यहाँ पे संस्थान है, उसकी तरफ से दोस्तों वैकेंसीज जारी की गई हैं। और दोस्तों ये जो वैकेंसीज जारी की गई हैं, ये DRDO का एक प्लांट है, लेबोरेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये जो है ITR जो है के रेंज में तहत ये फॉर्म जारी किया गया है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। दोस्तों यहाँ पे BBTech वाले एलिजिबल हैं दोस्तों फॉर्म को भरने के लिए, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं आपकी BBTech इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और BBTech इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यहाँ पे देख सकते हैं आप BBTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BBTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BBTech इन सिविल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग, लेबोरेटरी साइंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग। तो ये लगभग हर ब्रांच के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है फ्रेशर फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हैं डिप्लोमा में कौन कौन सी ब्रांच है, मैं उनको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे डिप्लोमा है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो जो है BTech और डिप्लोमा वाले से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। दोस्तों अगर हम सैलरी पोस्ट की डिटेल्स की बात करें, कितनी पोस्ट की वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों जो पोस्ट की वैकेंसीज हैं, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 22 पोस्ट हैं और यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 25 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 5 पोस्ट हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 3 पोस्ट हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट हैं, लाइब्रेरी साइंस के लिए 2 पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 23 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 3 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 5 पोस्ट हैं, मैकेनिकल के लिए 3 पोस्ट हैं और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। उसी तरह डिप्लोमा वालों के लिए हम देख लेते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा किए हैं तो उनकी जो रखी गई है दोस्तों 23 पोस्ट की वैकेंसीज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए भी 23 पोस्ट की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 5 पोस्ट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 3 पोस्ट और सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट की वैकेंसी रखी गई है। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं और बता दूँ, यहाँ पे जो सैलरी मिलेगी आपको यहाँ पे स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा, जिसमें आपको BTech वालों के लिए 9,000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पे जो है डिप्लोमा वालों के लिए 8,000 रुपये प्रति महीने यहाँ पे दिया जाएगा। दोस्तों एक बात मैं और बता दूँ, यहाँ पे जो वैकेंसीज यहाँ पे फिल होंगी दोस्तों अप्रेंटिसशिप के थ्रू फिल होंगी। दोस्तों यहाँ पे 1 साल की आपको अप्रेंटिस कराई जाएगी, उसके बाद आपको रेगुलर कर दिया जाएगा यदि आपका काम अच्छा होता है तो। दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट्स करेंगे कि आप अप्रेंटिस के बारे में क्यों बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे अप्रेंटिस भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है जो है यहाँ पे BTech वालों के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आपको अप्रेंटिस के दौरान, यदि 1 साल की अप्रेंटिस आप की करते हैं तो आपको उस दौरान आपको प्रति महीने कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख स्टाइपेंड के रूप में जो दिया जाता है, और आपको जो है एक्सपीरियंस भी मिलता है, वो एक्सपीरियंस आप भविष्य में किसी भी कंपनी के लिए लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा अकाउंट होता है। और खासकर DRDO यदि आप अप्रेंटिस कर लेंगे तो आप जानते होंगे DRDO कितनी बड़ी भारत की बहुत बड़ी संस्था है जो कि रक्षा अनुसंधान है, तो यहां से आप अप्रेंटिस कर देंगे तो आप मान लीजिए कहीं भी आप जो है अप्रेंटिस का ये जो सर्टिफिकेट लगा देंगे एक्सपीरियंस का, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो ये अप्रेंटिस करने से आप दूर मत भागिए, यदि आप जो है एलिजिबल हैं, यदि आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये मैंने बता ही दिया। अब यहां पर दोस्तों यहां पर इनका मोबाइल नंबर यहां पर दिया गया है, तो कोई आपको दिक्कत हो तो यहां पर इनको फोन कर सकते हैं। और यहां पर आप देखते हैं कि क्या इसको प्रोसेस है फॉर्म को भरने का। दोस्तों यहां पर मैं एक बात और बता दूं, जो 2017-18 और 2019 तीन साल के पास ईयर्स के स्टूडेंट्स से फॉर्म को भर सकते हैं, सिर्फ 2016 और इस साल जो 2020 में पास होंगे, मतलब इस साल जो 2019 में अपीयरिंग में है, फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। दोस्तों यहां पे जो है 12th महीने का यहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड चलेगा, जिसमें आपको ट्रेनिंग कराई जाएगी, अप्रेंटिसशिप के तहत आपको दिया जाएगा। और दोस्तों यहां पे आपको फॉर्म को कैसे भरना है, दोस्तों सबसे पहले दोस्तों यहां पे आपको फॉर्म की लास्ट डेट जो तो 20 नवंबर यहाँ पे रखी गई है, हालांकि इसके बारे में एक फॉर्म भरा दिया था, लेकिन अभी 18 नवंबर आज डेट है, तो मैं सोचा एक बार और आपको बता दूं कि यदि आप जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट RAC.gov.in पे जाना होगा। अब RAC.gov.in क्या है, जो इसरो की एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज की जो वेबसाइट है, और दोस्तों यहाँ पे जो चांदीपुर में आपका जो है यहाँ पे जॉब लगेगी, चांदीपुर में आपकी जॉब लगेगी, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये DRDO की ही जो है प्लांट है जो चांदीपुर में है, तो वही है यहाँ पे RAC.gov.in पे आपको यहाँ पे फॉर्म को भरना होगा। जो जो चीज़ें वहाँ पे मांगेगा सब कुछ भर दीजिए वहाँ पे, और यहाँ पे जो भी चीज़ें मांग के उसका प्रिंट आउट लीजिए, और कहीं भी फॉर्म को प्रिंट आउट भेजने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो ये जो है ध्यान दीजिएगा।
हाँ, और आपको एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ कि फॉर्म को भरने से पहले आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन है MHRDANTS.gov.in पे आप अपना रजिस्टर कर लीजिए खुद वहाँ पे, और सिंपल सा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, बिल्कुल वहाँ पे कर लीजिए और वहाँ पे प्रिंट आउट ले लीजिए, उसका एक नंबर मिलेगा वो आपको डालना पड़ेगा फॉर्म को भरते समय। तो ये रही कंप्लीट डिटेल्स इसके बारे में, इस फॉर्म को भरने में। दोस्तों DRDO की ये जो चांदीपुर में प्लांट है उसका जो है वैकेंसीज आई हुई है, तो बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इनके नंबर्स पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इनका नंबर से भी दिया यहाँ पर दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं। और इस दोस्तों अप्रेंटिस का फॉर्म है यार, भरिए यदि आप चाहते हैं अप्रेंटिस करना। आप जो है यदि आपकी जॉब कहीं नहीं अभी अच्छी लग पा रही है तो बिल्कुल आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर लीजिए। आपको हो सकता है आपको 1 साल कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग भी कर रहे हैं। तो ये रही कंप्लीट डिटेल। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। और बहुत सारे कंटेंट मेरे चैनल पर आते रहेंगे, तो आप नियमित रूप से चैनल को फॉलो करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।